योगी के विधायक ने बदल दिया पीएम मोदी का नारा। मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। विधायक कहता है जो हमारे साथ हम उनके साथ, जो हमारे साथ हम उसके साथ, जो हमारे साथ नहीं हम उसके साथ किसी कीमत पर नहीं। 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। लेकिन उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के विधायक ने मोदी के नारे को बदल कर रख दिया और ऐसा नया नारा दिया है जो भारतीय जनता पार्टी के बयानों और विचारों को सीधा चुनौती दे रहा है। सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस श्याम प्रकाश का अब ये नारा बदलेगा, जो हमारे साथ हम उसके साथ, जो हमारे साथ नहीं हम उसके साथ किसी कीमत पर नहीं। सबका साथ सबका विकास नहीं, जो हमारे साथ हम उनके साथ, ये नारा भाजपा विधायक श्याम प्रकाश का है। हरदोई की गोपामुख सीट से विधायक श्याम प्रकाश ने बेनीगंज के सलेमपुर गांव में एक पुल के उद्घाटन के दौरान ये नारा लगाया। विधायक ने ये नारा क्यों लगाया, खुद विधायक से सुनिए। कुछ हमको भी तो देख लेने दो, अरे कहो तो तुम आओ तो पूरे गांव में वोट मिले, वोट मिले 14, कहो तो तुम आओ तो ये सब गांव में वोट दी वो बात कर करवाई दो, मो बक्सम 14 वोट टिक गए यहां तेरे तुम्हारे गांव। कहना तो बहुत आसान है, हम भी बहुत साफ कहते हैं, हमने पुल बनवा दिया है, अगला काम अगले चुनाव के बाद हमसे जो बताना एक काम करवा देंगे, जो भी बताना तुम्हारे गांव का जरूरी काम हो। लेकिन हमें भी देखना है आगे लोकसभा का जो चुनाव आएगा उसमें सलेमपुर वाले कितनी वफादारी निभाते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। और ये एक हाथ से नहीं बचती है, बहुत दिन बजे एक हाथ से, सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस श्याम प्रकाश का अब ये नारा बदलेगा, जो हमारे साथ हम उसके साथ, जो हमारे साथ नहीं हम उसके साथ किसी कीमत पर नहीं। भारतीय जनता पार्टी का नहीं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे यादव हो चाहे चमार हो चाहे पासी हो, जो भारतीय जनता पार्टी का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। अब समझे आप ये नारा विधायक जी ने क्यों दिया है। विधायक जी ने ये नारा ग्रामीणों को अल्टीमेटम देने के लिए दिया है। विधायक जी को इस बार गांव में 14 वोट मिले थे, लेकिन 2024 में भाजपा को वोट मिले इसलिए उन्होंने नारा दिया, जो हमारे साथ हम उनके साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।